नागदा से है, जहां पर मकान मालिक के हौसले बुलंद हैं और व्यापारी काफ़ी वर्षों से किराए की दुकान में रह रहा था और उसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया गया है। वहीं मकान मालिक ने दुकान खाली कराने को लेकर फर्नीचर समेत कीमती मिठाइयां सामान नष्ट कर दिया। किराए की दुकान को खाली कराने की बात को लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उसके परिजनों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी का सामान दुकान से बाहर फेंक कर दुकान में तोड़फोड़ की और जैन समाज के लोगों ने पुलिस थाने पहुंचकर विरोध जताया और बाद में दुकान के बाहर चक्का जाम कर दिया। दूसरी पार्टी जो फरियादी ममता है, इनकी तरफ से राजेश गेरा, राहुल गेरा और अन्य के खिलाफ 336, 323, 254, 534 का प्रार्थना किया गया। अभी मौके पे उन्होंने पार्टी को समझाइश दी गई है, क्योंकि गेरा की तरफ से स्टे लेके आ गए यथास्थिति बनाए रखने के लिए और कल की शायद तारीख लगी है माननीय न्यायालय के यहाँ पर। दोनों पार्टी समझाइश दे दी गई कि कल तक न्यायालय में क्या फैसला होता है, अभी यथास्थिति बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें। यदि लड़ाई झगड़ा किया जाएगा तो दोनों पार्टी को वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।